As Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal remains lodged in Tihar Jail, and the ED has filed a fresh affidavit in the Supreme Court. Now, Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh has spoken to the media. Let's, in fact, cut across and listen in to what he said. ये आपका अंतिम चुनाव है, इसके बाद आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने देखा, कभी आपने नहीं सुना होगा, लोकसभा का चुनाव देश की सत्ताधारी पार्टी बगैर मतदान के जीत जाती है, बगैर वोट के जीत जाती है, बगैर चुनाव के जीत जाती है। सूरत में सारे कैंडिडेट्स का पर्चा खारिज कर दिया गया, न सिर्फ कांग्रेस का, बाकी सारे दलों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया, बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया, और चुनाव के पहले प्रमाण पत्र हाथ में भाजपा के कैंडिडेट को पकड़ा दिया गया। 2024 के बाद यही देश में होने जा रहा है, खाली दिखावे के लिए एक संविधान होगा जो नागपुर का आरएसएस का संविधान होगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, जिसमें किसान के अधिकार की बात नहीं होगी, जिसमें महिलाओं के, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होगी, उनके सुरक्षा की बात नहीं होगी। एक आरएसएस का संविधान होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म किया जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा, चुनाव को खत्म किया जाएगा। पिछले 10 साल का इतिहास मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं। उत्तराखंड में इन्होंने चुनाव नहीं कराया, सरकार कांग्रेस की तोड़ के गिरा दी, अपनी सरकार बना ली। अरुणाचल में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। महाराष्ट्र में ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा के, भय दिखा के चुनाव नहीं कराया, सरकार तोड़कर बना ली। गोवा में मात्र 13 सीट होने के बावजूद जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। और एक फैसला जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया, एक फैसला माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया कि भारत का लोकतंत्र खत्म होने वाला है, वोट का अधिकार खत्म होने वाला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए, ये चंडीगढ़ के चुनाव में कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद सूरत और अब पूरे देश में इसी बात की तैयारी है। बीजेपी ने वोटों की चोरी करते हुए हेरा फेरी से मेयर का चुनाव जीता, वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अब यहां से शुरू होती है भाजपा की असली साजिश। आपको काउंटिंग पर लगे इस कैमरे से दिखाते हैं कि कैसे भाजपा देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। भाजपा के पीठासीन अधिकारी For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.